Good morning, children. Hope you all are fine and also ready for today's class. So let's begin our class for today, children. Today I am going to teach you a new lesson from your English literature book. Name of the lesson: Who Will Play With Me? This is given in page number 158 of your book. So just open page number 158. Okay. Now see, children, before we go to the lesson, there are two questions being asked to you. Okay, इस lesson में जाने से पहले आपको दो questions आपको पूछे जा रहे हैं. उस questions के बाद फिर जो है अपना lesson start होता है. तो let us see what are the two questions. The first question is, what do you like more, to study or to play? What do you like? You will be liking both, na? You will be liking to study also, and you will be liking to play also. आपको दोनों चीजें अच्छी लगती होगी ना. खेलना भी अच्छा लगता होगा और पढ़ना भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि कोई एक चीज तो आप करोगे नहीं. एज अ स्टूडेंट, जब एक विद्यार्थी की बात करते, एक स्टूडेंट की बात करते, तो यू विल लाइक टू प्ले ऑल्सो एंड यू विल लाइक टू स्टडी ऑल्सो. देन वॉट विल हैपन इफ यू स्पेंड ऑल योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डू नॉट स्टडी? क्या होगा अगर आप पूरे टाइम खेलते ही रहोगे और रिवाइज कुछ नहीं करोगे, आपके किताबों में से कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा? What will happen at the end? You will fail, है ना, isn't it? आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं और दिन भर खेलोगे, तो at the end what you will get? आपको वही होगा कि आप फेल हो जाओगे. यू डोंट नो द लेसन, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपके लेसन्स के बारे में, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में. डेफिनेटली यू विल फेल. ओके, सो अब ऐसे कुछ है, एक बच्चे के बारे में ही बताया जा रहा है, हाउ ही चेंजेस. पहले वो पढ़ता नहीं था, फिर वो कैसे उसमें चेंज आता है उस बच्चे में, और कैसे वो स्टडीज के प्रति उसका मन करता है, कैसे वो डाइवर्ट होके अपना मन जो है स्टडीज में लगाता है. सो लेट्स सी द लेसन. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल. वन डे ही meets some creatures and then he changes. Why does he change himself? Let's find out. अब क्या कह रहे हैं, ये जो लेसन है, ये एक स्टोरी है एक बच्चे के बारे में, एक लड़के के बारे में, जिसको कि पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो does not like to study. अब one day what happens, वो किससे मिलता है? कुछ जीवों से मिलता है, कुछ क्रिएचर से मिलता है, और देन उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है. व्हाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? लेट्स फाइंड आउट. अब वो जीवों को देख के उसमें क्या, ऐसा क्या चेंज आ गया और क्यों चेंज आया, ये हम देखते हैं. दिस इज रोहित. ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर. अब इस बच्चे का क्या नाम है, इस लड़के का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चाइल्ड? The name of this child is Rohit. Now he does not like studies. So उसके सारे जो friends होते हैं वो they go to school. Only he doesn't go to school because he does not like studies. He wanders here and there. One day he goes to the garden near his home. He finds no other children in the garden to play with. अब जब school नहीं जाना है, when he doesn't go to school, what does he do? He simply wanders यहाँ वहाँ, घूमना फिरना, यही उसका काम रहता था. तो वन डे वो क्या करता है, वो गार्डन में जाता है जो उसके घर के पास होती है, एंड थिंकिंग कि वो वहाँ जाके उसके दोस्तों के साथ खेलेगा. ये वहाँ उस गार्डन में रीच करता है, वहाँ पे पहुँचता है, बट व्हाट डज ही सी? दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड्स आर ओवर देयर. कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं है गार्डन में खेलने के लिए. He sits on a bench under the big banyan tree. After some time, he notices a peacock dancing near the flower beds. अब क्या होता है कि कोई भी फ्रेंड्स जब उसको नहीं मिलते, कोई भी बच्चे उसको उस गार्डन में नहीं मिलते, तो थक हार के वो क्या करता है, गार्डन में एक बेंच रहती है, उस बेंच पे जाके वो बैठ जाता है. बनियान ट्री होती है, उसके नीचे वो बेंच लगा रहता है, तो ये वहाँ पे जाके बैठता है. जब वो बैठता है तो कुछ देर बाद वो क्या देखता है कि एक पीकॉक डांस कर रही होती है. कहाँ पे? जैसे एक ऐसे एरिया में जहाँ से फूल ही फूल खिले हो, उस ऐसी एरिया में वो क्या करता है, पीकॉक डांस करता रहता है. रोहित वॉक्स टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम, विल यू प्ले विथ मी? द पीकॉक सेज, आई एम बिजी, आई एम डांसिंग,
सो आई कैन नॉट प्ले विद यू। अब रोहित उस पीकॉक को उस मोर को नाचते हुए देख के उसके पास जाके क्या बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? तो वो पीकॉक क्या आंसर करती है कि नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मैं तो डांस कर रही हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती हूँ। Then Rohit meets a dog. He asks him, "Will you play with me?" The dog says, "I am busy. I am looking after my master's house, so I cannot play with you." अब दूसरा अगला वो किससे मिलता है रोहित? एक डॉग से मिलता है और वो डॉग के पास जाके वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? तो डॉग क्या जवाब देता? नहीं नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे तो मेरे मालिक की घर की सुरक्षा करनी है, उस घर की रक्षा करनी है, तो मैं तो खेल नहीं पाऊंगा आपके साथ। ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड बर्ड्स। ही आस्क्स देम द सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विथ मी? वी आर बिजी, वी हैव मेनी थिंग्स टू डू, वी कैन नॉट प्ले विथ यू, दे रिप्लाई। अब उसके डॉग के बाद वो किस किस से मिलता है? पैरट से मिलता है, क्रो से मिलता है, स्पैरो से मिलता है, हॉर्स से मिलता है, और उन सभी जानवरों से, उन सभी जीवों से उसका एक ही प्रश्न रहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो वो सभी के सभी उसको मना कर देते हैं। वो सभी क्या कहते हैं कि हम हमारे कामों में बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है खेलने के लिए, तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएंगे। दिस हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। He says to himself, all of them are busy, they are doing something, it is only I who am not working. Now I will also do my work and keep myself busy, I will give up my laziness. अब क्या करता है ये, जब सभी उसको refuse करते, सभी जीव, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रिफ्यूज़ करते, उसको मना करते कि नहीं हम नहीं खेल सकते क्योंकि हम सब बिजी है, हम सब व्यस्त है, हम सब के पास कुछ काम है, तो वो जो उनका रिप्लाई होता है वो इसमें बदलाव लाता है। वो फिर सोचने में मजबूर होता है कि यार इन सब के पास काम है, एक मैं ही तो हूँ जो बिना काम के घूम रहा हूँ, तो मुझे भी अपने काम में लग जाना चाहिए, है ना, और मुझे भी मेरा आलसपना छोड़ के मुझे भी मेरे कामों में व्यस्त हो जाना चाहिए। He returns home and decides to go to school daily. He starts studying attentively and completes his homework also. He learns his lessons regularly. फिर वो घर आता है, घर आके वो अपने आप को चेंज करता है। वो क्या सोचता है कि अब से मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे डेली स्कूल जाना चाहिए, मुझे मेरे लेसन्स कंप्लीट करने चाहिए और मुझे रेगुलरली हर रोज पढ़ाई करनी चाहिए। इन द इवनिंग रोहित गोज टू द प्लेग्राउंड एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइज़ेस व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल। अब क्या होता है, शाम को वापस प्लेग्राउंड में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है और उनके साथ वो खेलता है, पर कितना टाइम खेलता है, वो घंटे भर के लिए खेलता है वो, और फिर वापस घर आके व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर प्लेइंग वो क्या करता है, ही टेक्स हिज डिनर, वो अपना डिनर लेता है एंड देन ही स्टार्ट्स टू रिवाइज हिज स्कूल वर्क। जो भी स्कूल में उसको पढ़ाया गया था वो सारा जो भी था वो उसको रिवाइज करने के लिए बैठ जाता है। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम। अब जो बदलाव इसमें आया है, रोहित में जो बदलाव आया था, वो बदलाव देख के सब ही उससे खुश थे क्योंकि चेंज हो गया था, उसका स्वभाव भी बदल गया था। वो कैसा बच्चा था पहले, बहुत लेजी था, उसने लेजी बना छोड़ दिया अपना, और क्या हुआ, उसने लेजीनेस छोड़ने के बाद वो वर्क की तरफ आया, वो स्कूल रेगुलरली जाने लगा, सिंसियरली अपनी स्टडीज करने लगा। तो ये जो चेंज उसमें आया, ये उसके व्यवहार में जो चेंजेस लाया, ये चेंजेस देख के उसकी स्कूल की टीचर्स उसको अप्रिशिएट करते थे और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड थे, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे उस पर एंड दे वर ऑल्सो क्वाइट हैप्पी। सो दिस वॉज द लेसन। In this lesson, you have learned that as a student, what did you children learn? That हमको हमारी पढ़ाई जो है वो sincerely करनी चाहिए. We should not waste our time simply
doing wandering here and there, simply doing some other mischievous work. In spite of that, you should take your studies seriously, go to school regularly, and you should attend your classes regularly and try to complete your work also in a punctual basis. And you should start revising, you should have a timetable, you should regularly study. Okay, so I hope your children all will be doing this after seeing Rohit, ka lesson padhne ke baad. If you all have also not started studying from today onwards, you will also start studying seriously. Okay, so till we meet next time children, it's bye from your ma'am. Take care and be safe. Bye.